नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। तुर्की में 3 बम धमाके, 14 लोगों की मौत, 225 से ज्यादा घायल, पुलिस स्टेशनों और सेना को बनाया गया निशाना। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के विवाह को मिलेगा कानूनी दर्जा, पाक नेशनल असेंबली में हिंदू विवाह विधेयक पेश, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग पार्टी ने विधेयक का किया समर्थन। ब्रिटेन के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट का खुलासा, ब्रिटेन में दूसरे जातीय समूहों के मुकाबले भारतीय ज्यादा शिक्षित और कम बेरोजगार, भारतीयों ने डिग्री स्तर की क्वालिफिकेशन के मामले में ज्यादा प्रतिशत हासिल कर बेहतर प्रदर्शन किया। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए भाषण पर तिलमिलाया पाकिस्तान, कहा भारत ने पार की लाल रेखा, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की बैठक में पूरी ताकत से उठाएंगे कश्मीर मुद्दा। चीन में तूफान दियानमू ने दी दस्तक, 40,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग हुई बेकाबू, 35,000 मकान नष्ट, 80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, लॉस एंजलिस और लॉस वेगास को जोड़ने वाले राजमार्ग को यातायात के लिए खोला गया। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।